हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स ब्यूटी विद बॉबी। और आज का वीडियो होगा इस पे, और ये है नोवा का 2-in-1 हेयर स्ट्रेटनर एंड कर्लर। इसे मैंने अपने अमेजन हॉल में आपके साथ शेयर किया था। इसे मैंने अमेजन से ही परचेज किया है और ये मैंने एक बार ही यूज किया है, ज़्यादा नहीं किया है। तो इसलिए मैंने यूज किया था कि देखने के लिए कहीं मतलब इतने कम प्राइस में मिल रहा है तो पता नहीं कैसा है और अच्छे से कर्ल या स्ट्रेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलिए इसकी रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये है इसकी पैकेजिंग, आप देख सकते हैं। और इसकी जो प्राइस है वो मैंने अमेजन से बाय किया है, तो ये मुझे मिला है 300 रुपीज में। बट अगर आप फ्लिपकार्ट पे देखते हैं तो ये आपको 250 रुपीज में ही दिख जाता है, बहुत ही कम प्राइस में। बट ये मैंने पहले ऑर्डर दे दिया था इसलिए मैंने इसे ले लिया और ये 300 में है। तो ये है इसकी पैकेजिंग, देख सकते हैं। और इसका जो डिज़ाइन है वो दिया हुआ है, ये इसी टाइप में है और ये लिखा हुआ है नोवा। नोवा एक ब्रांड है जो कि बहुत ही कम प्राइस में इसके सभी आपको इसमें ट्रिमर भी मिलते हैं लाइक, और फिर स्ट्रेटनर, कर्लर, ड्रायर सब मिलते हैं। तो ये है इसका जो डायमीटर है वो 26 mm दिया हुआ है एंड इसमें है 2 दिया हुआ है, स्ट्रेट एंड कर्ल लिखा हुआ है, क्योंकि इससे आप दो चीज कर सकते हैं। और इसके जो कवर है मीन्स आउटर कवर पे ही इसके सभी चीजें डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं, लाइक आपको किस तरह से कर्ल करना है, स्टेप्स दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दिया हुआ है कि किस तरह से आप स्ट्रेट कर सकते हैं या फिर कर्ल कर सकते। ये भी दिया हुआ है कि ये 4 कलर में आता है, बट मैंने तो इसे सर्च किया था अमेजन पे, 2 ही कलर दिख रहा था, ओनली पिंक एंड ब्लैक। बट इसमें दिया हुआ है पिंक, व्हाइट, ग्रीन एंड ब्लैक। तो अब इसकी इंटरनल पैकेजिंग देखते हैं किस टाइप में है। तो आप देख सकते, ये मैंने खुद से फोल्ड करा हुआ है, बट ये जब आता है आपके पास तो बहुत अच्छी तरह से फोल्ड किया हुआ होता है और इसमें एक बैंड भी लगा हुआ होता है, जैसे कि ये जो इसका वायर है वो मुड़े ना इसलिए। और ये देख सकते हैं इसका जो प्लग है वो इस टाइप में है, प्लग थोड़ा कमजोर टाइप में है, वैसे ही जल्दी सेट ही नहीं होता है क्योंकि बहुत ही छोटा सा है। और इस तरह से है, वायर भी अच्छा खासा लंबा है, लॉन्ग है। और ये पिंक इन कलर है, आप देख सकते हैं इस तरह से। और ये जो है ये प्लास्टिक में है, तो ये आप जब ये हॉट हो जाता है, जब आप इसे यूज करते हैं तो आप इसे होल्ड कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। और इसमें ये दिया हुआ है फॉर कर्लर, ये जो डिज़ाइन है यहाँ से आप कर्ल कर सकते हैं अपने हेयर को, और ये इसमें दिया हुआ है। एंड यहाँ आप देख सकते हैं ये लाइट लिखा हुआ है एंड ये स्विच है इसका, जब आप इसे प्लग इन करते हैं और इसे ऑन करते हैं तो यहाँ पे रेड लाइट टाइप का ऑन हो जाता है, जो कि इंडिकेटर है कि आपका ऑन है। और इसे आप ऑफ भी कर सकते हैं यहाँ प्रेस करके। नाउ इस साइड में आपको मिलते हैं स्विच, जिसे कि आप इसे स्ट्रेटनर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक देखिए, ये ई ओपन लिखा हुआ है, यहाँ क्लोज लिखा हुआ है, तो जब इसे आप नीचे की तरह प्रेस करते हैं तो ये इस तरह से ओपन हो जाता है। और ये स्ट्रेट करने के लिए, इसमें आप हेयर को स्ट्रेट कर सकते हैं, तो इसको जब क्लोज करना हो तो आप इसे इस तरह से प्रेस करके और फिर इसे मतलब प्रेस कर दीजिएगा ऊपर क्लोज, तो क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसे किस तरह से यूज करना है। तो जब भी आपको यूज करना हो तो आपको अपने बालों में हेयर प्रोटेक्टिंग सीरम या फिर कुछ भी आप वैसा लगा सकते हैं। तो मैंने अपने हेयर को वॉश करने के बाद ये लिवॉन का सीरम यूज किया हुआ है, बट अभी मैं यूज करूंगी इस पे एलोवेरा जेल। तो ये एलोवेरा जेल है पतंजलि का, तो आपके पास कोई भी एलोवेरा जेल हो तो आप उसे यूज कर सकते हैं। तो मैं यूज करूंगी ये, और बहुत ही मतलब मिनिमम अमाउंट में आपको लेना है और रब कर लें। और जैसे आप सीरम यूज करते हैं अपने हेयर पे, उसे इस तरह से पूरा अप्लाई कर लीजिए। इससे क्या होगा कि अगर हीट से आपका हेयर जो है वो डैमेज नहीं होगा, तो डैमेज प्रिवेंशन के लिए आप ये कर सकते हैं। उसके बाद कोई टैंगल ना हो आपके हेयर में, क्योंकि आप स्ट्रेट करते हैं, कर्ल करते हैं, तो मे बी आपको हर्ट हो सकता है, तो आप टैंगल फ्री कर लें अपने हेयर को, लाइक कॉम कर लीजिए। तो देख सकते हैं मैंने अभी प्लग ऑन करा हुआ है, और जब आप प्लग इन करते हैं तो ये यहाँ पे लाइट जलता है, रेड लाइट आई थिंक आपको दिख रहा होगा। तो ये जो लाइट है ये इससे कि मतलब आपका जो स्ट्रेटनर है या फिर कर्लर है वो ऑन है, तो आपको इस समय में यहाँ टच नहीं करना है, नहीं तो आपको खुद हॉट हो सकता है इसलिए। तो ये अभी गर्म हो रहा है, उसके बाद कुछ टाइम तक जैसे आप इस तरह से चेक कर सकते हैं तो पता चल जाएगा आपको। तो सबसे पहले मैं स्ट्रेट करूँगी कि किस टाइप से स्ट्रेट करता है या नहीं। तब यहाँ से थोड़ा बहुत जो इसका टेम्परेचर है वो पता चल रहा है दूर से कि हाँ थोड़ा गर्म हो गया है, तो अब इसे ऑफ कर देना है।
तो अब स्ट्रेटनर के लिए मैं ये ऑन कर लूंगी इस तरह से स्ट्रेट, और बहुत ही कम हेयर को लेके मैं स्ट्रेट करूंगी और इसे कॉम कर लेना है। इसे ठीक ठाक स्ट्रेट कर रहा है आप देख सकते हैं, क्योंकि ये आप देखोगे तो आपको दिखेगा इसमें कि ये प्रॉपर क्लोज नहीं होता है। तो जब तक क्लोज नहीं होगा तो प्रॉपर बहुत अच्छी तरह से तो स्ट्रेट नहीं कर पाएगा, बट ठीक ठाक कर देता है, ओके ओके टाइप में है। तो अब इसे क्लोज कर देना है, तो इसे क्लोज करने के लिए इस तरह से हो गया ये क्लोज। नाउ कर्ल करना है मुझे, मैं अपने ये जो फ्रंट हेयर है उसे इतना सा लूंगी। कुछ सेकेंड के लिए रखना है आपको। और जब भी कर्ल करना हो तो आप इसे 20 से 30 सेकेंड के लिए रखें इस तरह से, जिससे कि मतलब कर्ल हो सके, हीट आ सके। और यहाँ आप टच कर सकते हैं क्योंकि ये प्लास्टिक है तो बहुत ज्यादा गर्म नहीं हो रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरह का है, बहुत अच्छा कर्ल करता है आपके हेयर को, बहुत ही अच्छा सा कर्ल है। तो अगर आप छोटे छोटे पार्ट्स में कर्ल करते हैं तो बहुत ही अच्छी तरह से कर देता है, और स्ट्रेट भी लगभग ठीक ठाक करता है, लेकिन स्ट्रेट से ज्यादा अच्छा आपका कर्ल ये करता है। तो आपने देखा कि ये किस टाइप में है, स्ट्रेट ज्यादा अच्छे से नहीं करता है, बट कर्ल आपको अच्छी तरह से ये कर देता है। और कर्लिंग के लिए जैसे आप कर लेते हैं तो अगर आपको नॉर्मल वेवी टाइप रखना है तो आप उसे फिर खोल दीजिए, जो भी कर्ल है तो आपका वेवी टाइप हो जाएगा। या फिर आप बहुत ही डीप कर्ल करना चाहते हैं तो थोड़ा टाइम तक छोटे छोटे पार्ट्स में लीजिए और उसके बाद कर्ल कीजिए, तो बहुत अच्छी तरह से ये कर्ल कर देता है। और इसका हर चीज सही है, बट एक चीज अच्छा नहीं है, क्यों? तो इसमें जो कितना टेम्परेचर पे आप अपने हेयर पे हीट दे रही हैं वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें वो मीटर नहीं दिया हुआ है कि कितना टेम्परेचर है इसमें या नहीं है। तो वो सब इसमें एक जो इसका जो डिसएडवांटेज है वो है। तो ओवरऑल ये ठीक ठाक प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा वाला नहीं है, बहुत अफोर्डेबल में है, तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड एंड फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।